हेलो एवरीवन, सो आज के लेसन में हमने करना है एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं. सबसेट एंड सुपरसेट. व्हाट इज सबसेट? सपोज देर आर टू सेट्स ए एंड बी. कंडीशन इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी. एवरी ए का हर एलिमेंट अगर बी में भी बिलोंग करता है देन वी से ए इज, दिस इज साइन फॉर सबसेट. जैसे आप जानते हैं बड़ों का मुंह हमेशा खुला होता है, वही सेम है कि यहां पर बी क्या है, लार्जर सेट है, ए इज स्मॉलर सेट. ठीक है, और देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए. क्या है यहां पर? ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए. टोटल सबसेट्स ऑफ ए, टोटल कितने सबसेट्स होंगे ए के? 2 to the power n. जबकि n क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पर? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. फॉर एग्जांपल, एक सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2. कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 2, यानी 4. कौन कौन से सबसेट्स होंगे? एम्प्टी, हर किसी का सबसेट होता है. ठीक है, एम्प्टी सेट. उसके बाद सिंगल सिंगल आप फॉर्म कर दीजिए और उसके बाद कंप्लीट. कंप्लीट सेट भी अपने आप का क्या कहलाता है? सबसेट. लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो अगर आपको प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं तो टोटल सबसेट्स में से एक माइनस करना होगा. एक मतलब ये जो कंप्लीट सेट है उसको हम माइनस कर देंगे. तो अगर हमें कहीं पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स देना है, दैट इज 2 to the power n minus 1, राइट? पावर सेट ऑफ ए और पी ए, ये इसका नोटेशन है. अब पावर सेट, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, पावर सेट का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल, ए सेट हैज एलिमेंट्स 1 and 2. देन पावर सेट ऑफ ए, पी ए, ये नोटेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है. पावर सेट एम्प्टी 1, 2 and 1, 2. ठीक है, तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं होंगे, वो सबसेट की फॉर्म में होंगे. यूनिवर्सल सेट, यू और कैपिटल एक्स और जाय, जाय के तीनों नोटेशन यूनिवर्सल को शो करते हैं. इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब यूनिवर्सल नाम से ही आपको लग रहा है, यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्स से बना है, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जितने सेट्स गिवन है वो सबके सब किसी एक लार्जर सेट के क्या है? सबसेट है. तो उस लार्जर सेट को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट. ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर कर सकता है, लेकिन जितने सेट्स आपको गिवन होंगे वो सब इसमें क्या होने चाहिए? लाई करने चाहिए सबके एलिमेंट्स, यानी वो सबके सब इसके क्या होंगे? सबसेट्स होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल मार्क करना है दिस इज साइन ऑफ सबसेट एंड दिस इज नॉट अ सबसेट, राइट? 2, 3, 4 एक सेट है, आपको यहां पर मार्क करना है कि ये सबसेट है या नहीं है. 2 भी लाई करता है, 3 भी लाई करता है, 4 भी. एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट. अगर ये सबके सब एलिमेंट इसमें लाई करते हैं तो आप कहते हैं दिस इज अ सबसेट, राइट? एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. यहां पे हमें मार्क करना है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट है और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट है. तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट स्टूडेंट्स का ही एक पार्ट है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सबसेट, राइट? इसी टाइप से इसके 2-3 पार्ट और हैं, वो आप ट्राई कर लेंगे. कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं. ट्रू और फॉल्स, सेकेंड क्वेश्चन में हमें कंडीशंस गिवन है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट ए बी और बी बी इसमें बिलोंग करता है, यानी ये सबसेट है, लेकिन यहां पे साइन कौन सा है? नॉट अ सबसेट, सो इट इज फॉल्स. ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. वोवेल में कौन कौन से आते हैं? ए,
ई आई ओ यू, उस सेट का ये क्या है सबसेट, और यही हमें गिवन है, दैट इज ट्रू. 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, 2 इस सेट में बिलोंग नहीं करता. अब ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. सेट ए, ठीक है, कंप्लीट सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस, यस ट्रू. दिस इज सेट ए, बिलोंग्स टू दिस सेट? नो, बिलोंग नहीं करता है. ये बिलोंग कब करता? अगर इसमें ये बाउंड्री नहीं होती, ठीक है. दिस इज सेट ए, बिलोंग्स टू दिस सेट, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि यहां पर ये सेट की फॉर्म में ही है, दैट मीन्स एज एन एलिमेंट ट्रीट हो रहा है उस सेट के लिए. एलिमेंट बिलोंग करता है और सेट क्या होता है, सबसेट, ठीक है. इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 कंबाइंड है एक सेट की फॉर्म में और 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट. 3 belongs to A. This is incorrect. क्योंकि 3 individually separate नहीं है. 3 और 4 का एक combined set उसमें as an element treat हो रहा है. 3, 4 combined set belongs to A. This is correct. 3, 4 set is subset of A. This is incorrect. क्योंकि ये subset नहीं है. Subset कब होगा? जब इसमें एक boundary आप और देंगे. क्योंकि वो तो केवल element की तरह treat हो रहा है. That is belongs to A, not a subset of A. Question number 4 है, write down all the subsets of set हमें given है. जैसे set है 1. अब इसके कौन-कौन से subsets होंगे? Subsets are, सबसे पहले एक होता है empty. ठीक? वो तो हर किसी का subset है. उसके बाद इसमें एक single ही element है, तो केवल ये ही होगा, बस y और 1. अगर आप check करें, तो 2 to the power 1 भी क्या होता है? 2 के इक्वल, यानी 2 ही सबसेट्स पॉसिबल है. यहां पर एलिमेंट कितने हैं? 2. तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 2 यानी 4. कौन कौन से? एक होगा एम्प्टी, फिर एक 1, फिर एक 2 और एक कंप्लीट 1 एंड 2. अगर क्वेश्चन में प्रॉपर सबसेट लिखा होता तो आपने ये काउंट नहीं करना है, राइट. 1, 2, 3 के लिए 5, 1, 2, 3, then 1, 2, 2, 3 and 1, 3 or complete set 1, 2, 3. Total kitne hone chahiye? 2 to the power 3, yani 8. Count kar lijiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Theek hai? Chaliye, 5 ke liye subset bhi kitne hote hain? Ek hi hoga, keval 5. How many elements has PA, power set of A? कितने एलिमेंट होंगे अगर a 5 के इक्वल है? एक ही सबसेट है, यानी सिंगल एलिमेंट. राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल फॉर्म. इंटरवल फॉर्म में आपने देना है इसको, x such that x belongs to R. इंटरवल, यहां पे आपने -4 को काउंट नहीं किया है, यानी -4 पे आप कौन सा ब्रैकेट देंगे? स्मॉल ब्रैकेट. 6 पर आपने देना है स्क्वायर ब्रैकेट. जो पॉइंट हम काउंट करते हैं उस पर स्क्वायर ब्रैकेट, जो पॉइंट काउंट नहीं करते हैं वो ओपन ब्रैकेट. -12 एंड -10 दोनों ही काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी स्मॉल -12 एंड -10 दोनों पे हमने कौन सा ब्रैकेट देना है? स्मॉल ब्रैकेट. राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर. अब इंटरवल को सेट बिल्डर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप? x, then x such that x belongs to R, और x किस किस के बीच में लाई करता है? दोनों स्मॉल ब्रैकेट हैं, यानी -3 और 0. इक्वल किसी पे भी आपने अप्लाई नहीं करना है. दोनों पर इक्वल अप्लाई होगा, यानी x such that x belongs to R and x lies and equals to 6 and 12. ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या लेना है? इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है आपने. दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सेट ऑफ ट्रायंगल्स, अ सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, उसमें ये क्या होगा? एज एन सबसेट ट्रीट होगा. तो ये इसका यूनिवर्सल क्या हो सकता है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस. अब आइसोसेलेस क्या होते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल है.
अगर आप ले लें सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, उसमें तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो उसका ये क्या हो जाएगा? सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल भी काउंट कर सकते हैं और इसके लिए सेट ऑफ इक्विलेटरल भी काउंट कर सकते हैं। ए सेट एलिमेंट है 1, 3, 5, बी में है 2, 4, 6, सी में है 0, 2, 4, 6, 8। इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट आपने क्या काउंट करना है जो जीरो से स्टार्ट हो और इन सब एलिमेंट्स को काउंट करे, यानी यूनिवर्सल ऑप्शन हमें गिवन थे उसमें से ये इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगेन कमेंट करके बताइए फटाफट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। टिल देन बाय बाय।